जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमंते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेही के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों के लिए आज का दैनिक तुला राशि फल 21 जनवरी शनिवार का दिन, आज शनि अमावस्या है, शुक्र और सूर्य की युक्ति आपकी कुंडली में है, माघ माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, सर्वा सिद्धि योग में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र और बृहस्पति का प्रभाव 9:40 तक, जिसमें शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी है, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का उदय होगा सूर्य और शुक्र के प्रभाव के साथ, जिसका स्वामी सूर्य है। आज आपकी कुंडली में सूर्य बृहस्पति शुक्र का प्रभाव है, राहु की छाया है, मंगल केतु की दृष्टि है। तुला राशि वालों आज आपकी कुंडली में सुख स्थान में सूर्य और शुक्र की युक्ति है, सफल और स्वतंत्र व्यक्तित्व आपका होगा, जीवन में खुशी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, कुल परंपरा मर्यादा का मान रखेंगे, अंतिम समय में विजय प्राप्त करने वाला सौभाग्यशाली योग बन रहा है, जिसको कहते हैं लास्ट बॉल में छक्का लगाना, ऐसा ही आज आपके लिए समय होगा। अंतिम समय में आप विजय प्राप्त कर ही लेंगे, आज अपने जीवन में सुख पा ही लेंगे और आपके जीवन में तरक्की समृद्धि का ऐसा योग है जो आपके भाग्य के सितारों को चमकाएगा। आज शुक्र और सूर्य की आशीर्वाद से साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, बेहद सुफल देने वाला, आपके जीवन में तरक्की सौभाग्य का लाभ देने वाला राहु के ऊपर शनि की नीच दृष्टि के कारण आज राहु बड़ा मजबूत हो गया है, बेहतर लाभ आपके जीवन में देगा। और वहीं सूर्य शुक्र की युक्ति से हर काम में सफलता मिलेगा, बड़ा सुंदर समय है, बड़े लाभकारी योग हैं। राहु शुक्र का जो प्रभाव आपकी कुंडली में है वो आपकी इच्छा शक्ति को तीव्र बनाएगा। मंगल आपके लिए संपत्ति उन्नति का योग लेकर आया है, कोई जबरदस्त तरक्की चंद्रमा के कारण आपको प्राप्त होगा, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली के छठे भाव में है, वहीं आपकी कुंडली में इस समय राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहा है और आपकी कुंडली के लग्न पर केतु का गोचर है। जीवन की कठिनाइयां अब समाप्त होने को है। आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि का गोचर है और सुख स्थान में शुक्र के साथ सूर्य की युक्ति है। आज कार्य कुशलता आप में बहुत होगा, सुख पाने में आप निपुण होंगे, स्त्री में रुचि होगी, साहस पराक्रम होगा, संघर्ष के बाद जीत हासिल करेंगे, आप योद्धा हैं, आप बलशाली हैं, आप बुद्धिमान हैं, अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। आज भाग्य सौभाग्य आपका अच्छा है, जीवन की कठिनाइयां अब समाप्त हो रही है, अब आपके जीवन में सुख प्राप्त करने का उत्तम अवसर आ गया है। जब भी आपकी कुंडली में शुक्र का प्रभाव बढ़ता है आपके जीवन में खुशी और सुख बढ़ जाती है, जीवन का संघर्ष खत्म होने लगता है, तरक्की आरंभ हो जाती है, उन्नति और परिश्रम से सुख आप प्राप्त करते हैं। आज आपकी कुंडली के सप्तम भाव में राहु का गोचर है, राहु सप्तम भाव में बैठकर आपके परिवार की स्थिति, आपके घर की स्थिति, आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। सप्तम भाव में राहु का गोचर आपके परिवार में अचानक खुशी और समृद्धि लेकर आएगा, क्योंकि राहु बड़ा शक्तिशाली होकर आज आपकी कुंडली में बैठा है, कोई अच्छी खबर, कोई बड़ी खुशखबरी राहु लाकर देगा। वहीं मंगल आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर है, मंगल की दृष्टि धन, स्त्री से प्यार, स्त्री में रुचि, जीवन में स्थिरता, समृद्धि, सुख और खुशी, सब कुछ आपकी कुंडली में शुक्र और सूर्य की युक्ति से प्राप्त होगा, जो आपकी कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहा है। मंगल और सूर्य जब मजबूत होते हैं तो आपके जीवन में
बड़े काम होते हैं। जब सूर्य और मंगल मजबूत होते हैं तो बेहद खुशी आपके जीवन में बढ़ती है, आपके लिए समय शुभ हो जाता है और आपके जीवन में बड़ी तरक्की उन्नति आरंभ हो जाती है, जीवन की कठिनाई समाप्त होने लगती है। किसी नए काम की शुरुआत के बारे में आप सोच रहे हैं तो समय बड़ा शुभ है, क्योंकि ऐसे समय पर सूर्य और मंगल के प्रभाव से आपके जीवन में बड़े लाभ होते हैं, बड़ी सफलता मिलती है, कामयाबी सुख की प्राप्ति होती है। वहीं बृहस्पति और सूर्य जब शुभ हो जाता है तब आप राज करते हैं, यानी आपके लिए जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाती है और आपके जीवन में तरक्की उन्नति का योग बनता है। शनि आज उन्नति और धनदायक होगा, जबकि राहु शत्रु पर विजय दिलाने वाला, केतु आपकी इच्छा शक्ति को जगाने वाला, बृहस्पति जीवन की बाधा को दूर करने वाला, मंगल धनदायक होगा जबकि शुक्र जीवन का सुख देगा, चंद्रमा भाग्यशाली होगा और बुध आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा, यानी आज का दिन आपके लिए बड़ा सौभाग्यशाली है, लाभकारी है। आज आपकी कुंडली में लग्न के ऊपर केतु का गोचर है, आपकी कुंडली के पराक्रम स्थान में बुध बैठा है, जिसके साथ चंद्रमा भी है। चंद्रमा 2:53 पर आपकी कुंडली के सुख स्थान में गोचर करेगा, उस समय सुख स्थान में शुक्र सूर्य के साथ चंद्रमा की युक्ति होगी, बड़ा सुंदर समय होगा और उसके बाद आपके लिए और भी ज़्यादा लाभ और सफलता का योग बनेगा। आज आपकी कुंडली के सुख भाव में शुक्र सूर्य की युक्ति है, पंचम भाव में शनि का गोचर है और छठे भाव में बृहस्पति बैठा है। स्वाभिमान भी अच्छा होगा, मान सम्मान भी होगा, अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे, नए नए काम करेंगे, समय आपके लिए शुभ है, बड़े लाभ के अवसर भी मिलेंगे और बड़े लाभकारी भी आज का दिन होगा। आज आपके लिए खुशी, सौभाग्य और सफलता शुक्र सूर्य और बृहस्पति से प्राप्त होगा, जबकि मंगल और केतु की दृष्टि आपके लिए उत्साह को बढ़ाने वाला साबित होगा। दिन बड़ा अच्छा है, आप बड़े भाग्यशाली हैं, खुशी के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे, खुशियां प्राप्त करेंगे, धन प्राप्त करेंगे, आपका आत्मगौरव बढ़ेगा, आपके मन का विश्वास और मजबूत होगा, आपके इरादे बुलंद होंगे और आपके जीवन में सुख सौभाग्य समृद्धि बढ़ेगी। बड़ा सुंदर समय है, बड़े लाभकारी योग हैं आपके लिए, तरक्की समृद्धि सौभाग्य सुख सब कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि समय आपके लिए बड़ा बलशाली है, समय आपके लिए बड़ा शुभ है, यानी आपके जीवन में इस समय खुशियां भी बढ़ेगी, सुख भी बढ़ेगा, उन्नति का अवसर भी प्राप्त होगा, समय आपके लिए शुभ है, आपके जीवन में बड़े बदलाव बड़े लाभ का सुंदर योग बन रहा है, जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा और आपके लिए सफलता कामयाबी का अच्छा अवसर भी मिलेगा। आज का दिन 4 चरण में व्यतीत होगा, प्रथम चरण का स्वामी सूर्य है, द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र है, तृतीय चरण का स्वामी बृहस्पति, चतुर्थ चरण का स्वामी शनि है। बड़े लाभ बड़े सौभाग्य के साथ जीवन में आप खुशी और धन की प्राप्ति करेंगे, बड़े भाग्यशाली आप हैं, बड़े सौभाग्यशाली आप हैं। आज का दिन आपके लिए तरक्की भरा होगा, समृद्धि सौभाग्य भरा होगा। शनि अमावस्या के दिन शनि से मुक्ति के लिए, शनि से शांति के लिए आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपके लिए समय और भी ज़्यादा शुभ होगा, आपके लिए समय और भी ज़्यादा कल्याणकारी होगा, जो आपके जीवन में खुशी धन सुख लेकर आएगा। आज का राहु काल 9:53 से 11:13 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर सिल्वर होगा, लकी नंबर 8 होगा, तो भाग्य आपका अच्छा है, जीवन में सुख धन का योग है, आप भाग्यशाली हैं। हनुमान जी का दर्शन अवश्य करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपके सपने साकार होंगे, आपके लिए लाभ तरक्की का अवसर मिलेगा, तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय। तो तुला राशि वालों, शनि अमावस्या के दिन आपकी कुंडली के सुख स्थान में शुक्र
और सूर्य की जो युक्ति बन रही है आपके भाग्य को चमका रहा है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य आपके लिए शुभ फल लेकर आया है। अब आपके जीवन में खुशी, सफलता, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अब आप विजयी बनेंगे, बड़े सुख संपत्ति का भोग करेंगे, बड़े भाग्यशाली होंगे। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपकी स्थिति बदलेगी, आपका भाग्य चमकेगा। जय श्री राम, जय हनुमान।